हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एलटीआई माइंडट्री के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 2 फरवरी 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलटीआई माइंडट्री में। यहाँ पे आज के दिन यानी कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन यानी कि थर्सडे के दिन 2.24% का नेगेटिव मूव 5494.65 पे हमें क्लोजिंग देखे मिले January 25th को। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि हम स्टॉक का वीकली का एनालाइज करें तो यहाँ पे नेक्स्ट डे क्या होना है उस बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीक में हमें क्या देखने मिला उसी बारे में हम प्योरली बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गए सीधा हम जाते हैं सबसे पहले वीकली के चार्ट पर, देखते हैं हमारा यहाँ पे किस तरह का वॉल्यूम और किस तरह का कैंडल हमें बनते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे ये रहा हमारा वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट में अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज सा वॉल्यूम देखने मिल रहा है स्मॉल टू मीडियम साइज़ की। यहाँ पे स्मॉल साइज़ की कहूँ तो बॉडी बनी है, नीचे के साइड में बारीक से ऊपर के साइड में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ RSI की 4950 यानी कि एकदम ही न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड का इशारा करंटली हमें RSI दे रहा है, जो हमें यहाँ पे एक जो है इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे दोनों में से किसी भी एक साइड में हमें स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिल सकता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, कहीं और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन सीधा हम जाते हैं डेली के चार्ट पर। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं और यहाँ पे आपको रेंज बताएंगे किस रेंज में हमें स्टॉक जो क्लोज होते देखने मिलने वाला है। तो जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूँगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करने में। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक पे क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी मार्किंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। जूम करके मैं बात करता हूँ क्लोजिंग की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5494 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 5434 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 5556 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हम आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 5353 का, उसके बाद क्या 5267 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 5643 का, उसके बाद क्या 5724 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं ज़रूर जब उसी को कंसिडर में रखते हुए अपना यहाँ पे इस वीक का जो है ट्रेड ले। मेरा ओपिनियन इस वीक के लिए अगर मैं कहूँ तो ज़रूर यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव का लेकिन ज़्यादा नहीं नो ट्रेडिंग जोन यानी कि 5434 से लेकर 5556 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा कोई बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लेकिन ज़रूर एक पॉजिटिव साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमें इस वीक में क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। बाकी वॉल्यूम इंक्रीज हो तो स्टॉक और ऊपर जा सकता है, बाकी ओवरऑल अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ यहाँ पे जो एवरेज वॉल्यूम देखना है तो इसी रेंज में हमें क्लोज होते देखने हैं लेकिन ज़रूर पॉजिटिव साइड में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताना और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।